ज्यादा अपनी एरिया को एरिया को खेल वगैरह दिखाना सुन्नत है। क्या है अरे सही तो है उसके मार्श अंदर तक आता है तना तनी नर है कभी पिकनिक कभी यात्रा कभी देरी का और कभी शिमला कभी कश्मीर। आपकी जिंदगी में हर तरह के नमूने मिलेंगे नगर काला तीन सूरी तारीख वसल्लम उस बतुल हसन नतुल आगे लिमन काला यदुल्ला दायरे में रहते हुए शरीयत का आखिरी हाथ रखते हुए शरीयत के खिलाफ कभी न होते हुए हर तरह के काम को अंजाम दिया जा सकता है। उसने माशरत का तकाजा यह है कि तफरी के लिए भी बेगम को ले जाया जाए। हजरत आयशा आगे निकल गई थी पैगंबर पीछे रह गए थे। हजरत आयशा ने थोड़ी देर के लिए पैगंबर को परेशान किया शेम शेम वगैरह जो भी जब सब कहा होगा वो हजरत आयशा ने किया नबी करीम अलैहि सलाम तब मुस्कुराते हुए फिर कभी किसी वक्त में उसी जंगल में उसी जगह दोबारा जाने का इंतजाम हुआ तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा हजरत दूसरा टूर्नामेंट शुरू कर दे। पैगंबर ने कहा हाँ बिल्कुल मैं तैयार। फलम्मा हमलतुल लहमा फलम्मा हमलतुल लहमा जब मैंने गोश्त को उठा लिया मैं मोटी हो गई। हमलतुल लहमा मैं मोटी हो गई। उसी मौके पर पैगंबर के सामने पेशकश की पैगंबर ने कबूल करते हुए आगे आप निकल गए। हजरत आयशा पीछे रह गई। दायरे में जब औरत पीछे रह जाएगी इंतहाई शर्मिंदगी महसूस करेगी उलझन महसूस करेगी। पैगंबर ने कहा आयशा परेशान होने की क्या जरूरत अभी तो मैच ड्रा हुआ है। पीती का या आयशा हाथी की पीती का बाप मुकाबले के लिए ये तो उस दौर के मुकाबले में है या अगर उस वक्त तुम जीत गए अब मैं जीत गया मैच ड्रा होता है क्या देखो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तब ये दरमियान दरमियान में मैंने आप मुतवज्जे किया है सेहत बहुत बड़ी नहीं है उसको बर्बाद होने न दिया वरना जिंदगी पर अफसोस करते रहेंगे। आप घर के बाहर रहेंगे पहरेदार और तकली आपके घर के कमरे के अंदर होगा। कहीं शिकायत तो नहीं कर सकता। यूथ की तहजीब का मुताला करके देखिएगा रोजमर्रा के टेलीफोन है मुसलमानों के हजरत अंदर पड़ा हुआ है और मुझे बाहर बिठा दिया ताकि मैं पहरा देता रहा। तो भाई क्यों ऐसा हो रहा है? घर वाली कहती है टॉर्च में सेल नहीं है। हंसी और मजाक की बात नहीं है ये बेगम के मल
मियां ने नसीब के लिए एक बार मुतअद्दद बार नकल किया और वो ये समझ रहा है कि मुतअद्दद क्या है, मुस्तजाब दावा में इसका शुमार होता है, इसलिए दुआ की दरबार के नीति कर आदर किया तो मर जाए या तो कम हो जाए या तो मुक्त बेकार हो जाए। ये अल्फाज ठीक है जो नकल कर रहा हूँ, नकल कुफर कुफर नमाज यादव से है। आप अपनी बरकरार रखेंगे तो बरकरार रहेगी, बहुत नाम चीज है, और अगर आप अपनी बरकरार नहीं रखेंगे तो खुद गद्दारा इलाजे नहीं। वे आपके अकाली के 90-85 बरस के उम्र में नहाय सेहतमंद बच्चे पैदा हुए और आपके अकाली से तैयार करने पर 85 बरस में यो क्या हो रहा है। भाई मैंने अपनी जवानी में जवानी की मुकम्मल हिफाजत की है, जो जवानी में जवानी की हिफाजत एहतमाम करेगा 100 बरस की उम्र में उसके बूढ़े होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। एक दरकार में न रहने की वजह से, गैर मुस्तकिल जिंदगी गुजारने की वजह से, सुबह और शाम बेगम के पास पड़े रहने की वजह से सेहत मुतासिर होती है और खुद आप मुतासिर करें। लिहाजा आप हिफ्ज़ ने सेहत से मुतालिक कितनी चीजें हैं उनका लिहाज एहतमाम करोगे, खुशी खुशी जिंदगी आपकी गुजरेगी। वरना तो ये मसला बंद बक्सा है, बंद बक्से की तरह है। इसके घर में क्या है, क्या सूरत हाल है, कुछ बता दें। दोनों के दरमियान तनाव असकशी किस वजह से, सेहत ही की वजह से। सेहत अगर काबिल मुकम्मल खुरा दे या न दे, सूट दे या न दे, आदत देखी मतूमा मलबूसा माकूला मशरूबा आदत देखे ना हो, लेकिन सेहत आपकी 100% तरफ टक रहे, आपकी कुटी से आपकी बेगम बंधी भी रहेगी, किसी और कुटी की तलाश में नहीं जाए। वरना तो जरा आपको जमात करवाना पड़ेगी, क्या बात है, जमात में जाते नहीं आप। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आका के अंदर जो क्या हुई कशिश की, वो आपके किस वजह से मशक्कत पसंद थे, बोझ बड़े से बड़े बोझ उठाने के आप आदि थे, जब चलते तो तेज चलते थे, तेज चलने की वजह से खून की गर्दिश मुकम्मल रहती। लोगों से आपने सुना होगा क्या है ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड खून के अंदर हरकत। सर में आपके दर्द होगा, नजला होगा, पैर दिखता, ये महबूबी ने जमाना कहा आगे कर चलना, तकब मेरी नीचा सीना तांग कर चलने की है। लेकिन अभी अकरम अली सलाम को सलाम तमाम अंबिया में सबसे ज्यादा मुतवाजे आप ही हैं, आप से ज्यादा अब होने का सबूत किसी और नबी ने पेश नहीं किया है।
हर कदम कदम पर पूरी मेरी सारा जिंदगी में इंतहाई मुतवाजे पैगंबर थे, इसी नबी की सवाल हयात के अंदर इस कदर तवाजो पाए नहीं जाती थी। तो तवाजुआना मुतवादियाना रखता आगे को सुनना ये तकब्बुर का दूसरा तीसरा तर्जमा ऊपर से कदम उठाना ये भी मर्दाना रखता सनाना रखता घिसटते हुए चलना। तो तकब्बा या तकब्बुर के अंदर तीन तर्जमे, एक फुर्ती से चलना तेज रफ्तार, दूसरा ऊपर से कदम उठाना, तीसरा आगे झुकना। क्योंकि तीनों सिफतें पैगंबर की रफ्तार के अंदर पाई जाती है, इसलिए बहुत किसी ने कहा यह तीनों तर्जमे बिल्कुल सही है। जब भी आप चलते थे आगे झुककर ऊपर से कदम उठाकर पहलवान की तरह तेज रफ्तार थे, तेज रफ्तार थे तकब्बुर, तेज गति थे तकब्बुर, आगे झुकते थे मुतवाज़े और पहलवान की तरह मर्दों की तरह ऊपर से कदम उठाते थे, खिसकते हुए नहीं चलते थे। इज़ा मशा या तकब्बुर लोगों के अंदर उर्दू लोगों के अंदर यह तकब्बुर के तर्ज में एक लिखा जाता है लड़खड़ाते थे, जैसे कोई आदमी किसी पत्थर से या किसी चीज से टकरा जाएगा तो उस वक्त उसकी क्या कैफियत होगी। इस तरह पैगंबर आगे झुककर ऊपर से कदम उठाकर तेजी से चलते थे। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलन मरकुआन ऊपर रबातन या रजुलन मरकुआन, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुतनासिब मुतदिलुल कामत थे, दरमियानी कामत के थे, तूल की तरफ पाए हुए, इसलिए कि हर जगह ये लफ्ज मजबूत रखा जाएगा कि बहुत ज्यादा लाभ में नहीं थे, पस्त तक भी नहीं थे। रजुलन मरकुआन दरमियानी कद के थे, बुआई का माबैनल मन की बैनी मना की जमा, बड़ी फुर्ती के साथ पूरी तवज्जो के साथ देखे मन की मूंधा मना की जमा, बुआई का माबैनल मन की बैनी बड़ी का माबैनल मन की बैनी, दोनों बूंदों के दरमियान का फासला और इंसानों के मुकाबले में खतरे बड़ा था, बुरे बड़ा था, बड़ी बड़ी दमा भाई की मन की बहनी सीना न्याय चौड़ा, भाई दोनों बूंदे का फासला और इंसानों के मुकाबले में। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर काम खुद करते थे, पैदल सबसे ज्यादा करते थे, मशक्कत का काम करते थे, बोझ भारी उठाते थे, मुजाहिदीन की मदद करते थे, उनके हथियार उनके साथ सामान उनके सेने पैगंबर अपने सर पर लाद कर जिहाद में चलते थे। मुसलसल आपका यह तरीका काम रहा है, नतीजतन तमाम आका मजबूत ठोस, किसी किस्म की कमजोरी उसमें नहीं होती थी। इस जमाने में जीन के जरिए से काम अंजाम दिया जाता है और करना चाहिए। लोग करते हैं कद छोटा है तो लंबा भी होता है कद, डंडा उनका को लगा देता है उसको पकड़कर अपनी पूरी ऊपर से जिस्म को ऊपर करते नीचे करते ऊपर करते नीचे करते।
हर मुश्किल से मुश्किल मशक्कत भरा काम खुशी खुशी पैगंबर को अंजाम देते थे। इसलिए आपके आदा सब के सब टूटे हुए थे, गठीले थे, कोई भी इज्जत लटका हुआ नहीं था। गाल लटके हुए हो या छातियां लटकी हुई हो, किसी बहुत ज्यादा घूमकर याला पत्नी नहीं था, बिल्कुल आपके दिल के मुबारक सीधी भी नहीं थी। इजामशा जब भी आप चलते थे तकफ्फा के बाद बर्तन को उलट देना, बर्तन को एक तरफ उल्टे तो ये दूसरी तरफ बर्तन झुकेगा, ये करना। दूसरा तर्जमा, गुंबद से कदम उठाना। तीसरा तर्जमा, तेजी से चलना। चूंकि पैगंबर की रफ्तार के अंदर ये तीनों खूबियां पाई जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता चलने का मतलब ये है किसी को पीछे आप दावत दे रहे हैं। बहुत पतले भी नहीं थे, जसवा जैसा मतलब करो एक बात आता है, भारी भारी कम होना। वकाल शाह अनुकूल ऐसे भी जाते वला सब तीन वला सब तीन। आपके मुल्क में मुबारक बहुत ज्यादा भूखर जारी नहीं थी, पर नबी है फसीब की नबी जाती याद कर लें सभी जा करके पढ़ने बताएंगे। खतरे भूखर जारी थी काना शाहू लई सभी जाती बहुत ज्यादा भूखर जारी नहीं थी, बिल्कुल सीधी भी नहीं थी। सभी का सबका दोनों बात है सिवा जमा की है। अस्पर लवनी थोड़ी सी गंदुमी आपके अंदर के अंदर पाई जाती थी। गंदुमी रंग बहुत मामूली था, बहुत ज्यादा कम गंदुमी हो जाए तो आपकी सामर्थ्य हो जाएगा। इस